हेलो बच्चों, स्टार कस्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए मैथमेटिक्स के यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चंस, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पे मॉडल सेट पेपर है उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जैसे हम लोग अपलोड करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि टोटल हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को 50 प्लस मॉडल सेट दूंगा एग्जाम से पहले पहले। ये मॉडल सेट नंबर 9 है, ठीक है। इसी तरीके के 50 प्लस 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, काफ़ी सारे मॉडल सेट की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बनता है तो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताते चलता हूँ सारे क्वेश्चंस को। और जितने भी वीडियोज इस चैनल की ओर से आप लोगों को दिया जाएगा, और उतना भी आप लोग तैयारी कर लेते हो तो बिहार बोर्ड में आप लोग 50 से 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से हर एक सब्जेक्ट में लेकर आ जाओगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को साथ में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा आने वाले दिनों में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, वीडियो को इस शेयर जरूर कर देना। और ये वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, फिर से मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे इंपोर्टेंट को। ये मॉडल सेट क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ मॉडल सेट के बारे में। तो जितने भी आप लोगों को, जैसे मैथ का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैथ में जितने भी आप लोगों को चैप्टर है, टोटल चैप्टर का जितने भी चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका संग्रह जो आप लोगों को दिया जाता है उसी को मॉडल सेट बोलते हैं, ठीक है। मॉडल सेट ही नाम है इसका। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न जो है किस तरीके से रहने वाले हैं, एग्जाम में किस तरीके के कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न रहेंगे, वो सारे आप लोगों को मॉडल सेट में दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को मॉडल सेट का प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ, और इसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर सारे इंक्लूड हो जाती है। चलिए बिना किसी तरीके हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, और मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताते चलूँगा। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न हमारे पास कि रैखिक बहुपद में सुनेकों की संख्या कितनी होती है। मैं इस क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, कि रैखिक बहुपद जब रहेगा, रैखिक बहुपद, ठीक है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी एक होगी, ठीक है ना। अगर द्विघात रहेगा, द्विघात, द्विघात बहुपद में आपको कितने रहेंगे, शून्यकों की संख्या दो रहेगा, ठीक है। त्रिघात, त्रिघातीय बहुपद में अगर बोला जाएगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो तीन होती है, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग को तीन घात तक ही पढ़ना है आप लोग के टेंथ एग्जाम्स में, टेंथ बुक में, ठीक है। तो तीन घात तक आप लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। रैखिक को ही एक घात वाले बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। और द्विघात बहुपद बोला जाएगा तो दो शून्यक होंगे, त्रिघात बोला जाएगा तो तीन शून्यक होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इस पर अच्छे तरीके से और बताऊंगा। सेकेंड हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि बहुपद एक्स माइनस वन का शून्यक, देखो यहाँ पर था ना शून्यक, शून्यकों की संख्या, और यहाँ पर शून्यक क्या होगा एक्स माइनस वन का, ये पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखना कि जब भी आप लोग को शून्यक बोला जाएगा, जैसे x माइनस वन का शून्यक है, तो x माइनस वन बराबर इसको जीरो के बराबर कर देना। शून्यक मतलब इसका x माइनस वन बराबर जीरो कब होगा, ठीक है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ से देखो, x बराबर इस माइनस वन को इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस वन प्लस हो जाएगी, तो प्लस यहाँ पे वन, जीरो में अगर वन जोड़ेंगे तो आपका वन ही होगा, इसलिए एक्स बराबर वन जो आया ये आपका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, एक होगा, ए होगा, दो का ए, क्या होगा, दो का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। शून्य का मतलब होता है कि एक्स का क्या मान देंगे ताकि इसका जो वैल्यू आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो बताओ ना, एक्स माइनस वन में एक्स का वैल्यू अगर हम लोग एक रखेंगे तब ना वन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे आया एक आंसर। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, देखो द्विघात बहुपद है, दो शून्यक भी दिए गए हैं माइनस चार और सात, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मान लेते हैं कि एक शून्यक आपका अल्फा है जिसका मान माइनस चार है, और बीटा जो है दूसरा मान लेते हैं वो सात है, ठीक है, या फिर आप पहला दूसरा भी मान सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं अल्फा और बीटा। हम लोग एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है लिखने का, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का जो योग होता है उसका एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस चार, देखो माइनस चार और ये बीटा के जगह पे सात लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस माइनस चार हो जाएगा अल्फा के जगह पे और इंटू बीटा के जगह पे सात हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो माइनस चार प्लस सात, तो प्लस तीन हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, या सात चौके अट्ठाईस,
ये देखना ऑप्शंस में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस अट्ठाईस की इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चे, ये एक बार और अच्छे तरीके से देखना, अगर आगे आएंगे तो मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है व्यापक रूप, जब शून्यकों का पता हमको, शून्यक का मान जो अगर पता होती है तो हम लोग किस तरीके से उसका सोल्यूशन मतलब समीकरण लिखते हैं या फिर द्विघात बहुपद लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। फोर्थ नंबर देखते हैं प्रश्न कहा गया है, देखो फिर यही प्रश्न है, सेम प्रश्न है बच्चे, ठीक है। कहा गया कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग दे दिया गया है। मानते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है आपको 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है गुणनफल, वो 6 है, ठीक है। वहाँ पे था अल्फा और बीटा का अलग अलग मान, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ऑलरेडी दे दिया गया। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है इसका व्यापक रूप। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5x लिखेंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 6, तो देखो यही हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस आपको समझना है किस तरीके से बनाने हैं। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर प्रश्न हमारे पास कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यही हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो जानते हैं बच्चे कि जब भी आप लोगों को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है, ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जो मानते हैं कि इनके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, क्या है इनके, ये शून्यक है, क्या है ये शून्यक है बच्चे। जब शून्यक हम लोग को अल्फा और बीटा पता है तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले जो व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है, इस पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका मान, ए के जगह पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ए के जगह पे क्या है 1 है, और बी के जगह पे देखो एक्स के जगह पे वाई है, और बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे माइनस 6 है, ठीक है, और सी के जगह पे आपका 8 है। बस हमको पूछा क्या गया था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी के जगह पे देखो कितना है 8, और ए के जगह पे कितना है 1, तो इसका मान आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, 8 में अगर एक से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये, याद रखना है, बहुपद से पूछे जाते हैं प्रश्न आप सभी के एग्जाम से बच्चे। देखो सिक्स नंबर, ये भी बहुपद का है, बहुपद एफ एक्स का मान 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो एफ माइनस 1 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो एफ एक्स का मान दे दिया गया हम लोगों को 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2, तो बच्चे हम लोग को देखो f के पावर f माइनस 1 का वैल्यू पता करनी है, इसका मतलब x के जगह पे जो माइनस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे माइनस 1 रखने पर, बस यहाँ पे आप लोग माइनस 1 रखोगे 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2, बस आपको रखना है 3 गुने माइनस 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगी माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 2, एक्स के जगह पे हम लोग माइनस 1 रख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, तो 3 गुने 1 तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 और प्लस 2 पहले से था, तो 7 3 10 2 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 6 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में इस बहुपद में एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 में अगर एफ के पास एफ माइनस 1 का अगर मान निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, क्या प्रश्न हमारे पास, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, शानदार प्रश्न बच्चे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, मैंने आपको क्या बता रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जब शून्यक बोला जाएगा तो इसके बराबर 0 कर देना है। अब देखो एक्स स्क्वायर इस माइनस 3 को इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगी, अब एक्स का वैल्यू हम लोग को पता करना है तो एक्स का मान प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इस साइड लेकर जाएंगे ये रूट अंडर में आ जाएगी, तो एक्स का वैल्यू एक बार प्लस रूट 3 और एक्स का मान एक बार माइनस रूट 3, ठीक है। ये देखो किस ऑप्शन में है प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर आपको बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान या अगर 4 है तो यहाँ पर एक्स का मान प्लस माइनस में रूट अंडर 4 हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
अगला देखते हैं 8 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 6x-2y = 0 तथा 10x+2y = 32 का हल है। बस x और y का मान पता करनी है, तो 6x-2y = 0 और यहाँ पे 10x+2y = 32 ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y जो टर्म है वो इक्वल है, अगर इक्वल नहीं रहता तो इसको हम लोग इक्वल करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा आपस में आपका माइनस प्लस, तो बचेगा हम लोग को 10x+16x = 32। तो x का मान आ गया आपका 16×32, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण रखने पर, मान लेते इसी में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6×2-2y = 0। अब -2y को इस साइड लेकर जाएंगे तो 2y हो जाएगी, या बराबर 6×2=12, तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। देखते हैं किस ऑप्शन में है, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी में नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है बच्चे, बी में नज़र आ रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 का बी। 9 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होनी चाहिए। देखिए अनगिनत हल होने के लिए आपको शर्त होनी चाहिए, शर्त क्या है इसको हम लोग समझते हैं, शर्त है कि a1/a2 होनी चाहिए, बराबर में होना चाहिए b1/b2, अब बराबर होना चाहिए c1/c2, मतलब तीनों इक्वल होनी चाहिए अनगिनत हल होने के लिए, ठीक है। अब देखो a1 के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, नहीं है कुछ, तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है ना, तो 1 देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, a1 का मान दिया गया है 1, फिर यहाँ पे b1 का वैल्यू दिया गया है 2 और c1 का वैल्यू दिया गया है 3। अगर नहीं, ये 3 नहीं होगा तो इस साइड -3 को इस साइड लेकर आ जाओगे तो -3 हो जाएगी, यानी तो उस साइड है तो यहाँ पे 3 ही रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो इस समीकरण में a2 का वैल्यू हो जाएगा 5, b2 का वैल्यू हो जाएगा आपका k, और c2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 1/5 b1 के जगह पे है 2 और b2 के जगह पे है k, और c1 के जगह पे है 3 और c2 के जगह पे है 15। अब देखो या तो आप इस समीकरण और इस दोनों में देख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे k हो जाएगा 5×2=10 हो जाएगी, तो k का वैल्यू 10 यहाँ पे होनी चाहिए, क्या k का वैल्यू 10 होनी चाहिए अनगिनत हल होने के लिए, ठीक है। अगर इसमें आप लोग देख लिया तो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, जब इसमें आप लोग दोनों देख लिया ना तो इस दोनों में भी आप लोग देख सकते हो, ये आपका इस वाले में, ठीक है ना, इसमें भी देखोगे तो वही आंसर आएगी। जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 15×30 हो जाएगी, या बराबर यहाँ पे 3 के हो जाएगा, तो देखो 3 से यहाँ पे 10 मरतबे कटेगा तो के का वैल्यू 10 आ गया, मतलब चाहे आप इस दोनों में करो या फिर इस दोनों में करो, ठीक है, दोनों में आपको के का वैल्यू 10 ही आएगा अनगिनत हल होने के लिए। 9 का सही उत्तर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर देखते हैं प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण उस समीकरण को बोलते हैं जिसका मैक्सिमम घात महत्तम घात जो होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। देख लेते हैं कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखो यहाँ पे बच्चे xq आ गया, क्या आ गया, xq, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर + 3×x+4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्यों नहीं होगा, देखो सी नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x² है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2x² आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो 2x² जब रहेगा ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण बनेगा नहीं बच्चे, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो 4x² यहाँ पे है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x² + 1/2x, ठीक है, बराबर 4x², जब इसको हल करोगे तो यहाँ पे x² जो है ये रहेगा ही नहीं आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या अभी ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 10 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा, क्या होगा, बी करेक्ट होगा बच्चे, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, तो p≠0 के मूल क्या होंगे। श्रीधराचार्य नियम लगा लो बच्चे कि ax² + bx + c = 0 रहता है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं -b + √b² - 4ac/2a, यही तो निकालते हैं। इसी के तर्ज पे हम लोग को समीकरण दिया गया है px² + qx + r = 0, ठीक है,
तो निकाल लेते हैं यहाँ से x का वैल्यू माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर ए के बी के जगह पे q है तो q स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो फोर पी आर अपॉन टू ए के जगह पे p। बस देख लेते हैं ये ऑप्शंस किस में, यही उत्तर हो जाएगी माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर अपॉन टू पी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है, 11 का बी होगा। ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र मूल निकालने के लिए, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। बस इसी वाले फॉर्मूला पे हम लोगों ने क्या किया, इसका मान रख दिया। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति निकालने के लिए बच्चों हम लोग को विवेचक पता करनी होगी, ठीक है, विवेचक जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं, और ये मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या आता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो आता है, तो इसका मतलब मूल बराबर और वास्तविक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है तो इसका मतलब होता है मूल वास्तविक और असमान है, बराबर नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, मतलब जीरो से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो इसका मतलब अवास्तविक है, मूल वास्तविक नहीं है। बस निकाल लेते हैं बच्चे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो d का वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b के जगह पे क्या है सिक्स स्क्वायर माइनस फोर गुने सिक्स गुने वन, तो ये हो जाएगा छत्तीस माइनस चौबीस, तो ये हो जाएगा आपका बारह, जो जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान है। क्या है? मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना है। मानते हैं इसका मूल अल्फ़ा और बीटा है, मान लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं बच्चे होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे बी के जगह पे क्या है आपका, ए के जगह पे यहाँ पे थ्री है, बी के जगह पे माइनस अठारह है, और सी के जगह पे क्या आपका छः है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी के जगह पे माइनस अठारह है, पहले से माइनस था यहाँ पे, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए में माइनस था, और b के जगह पर माइनस अठारह है, तो माइनस माइनस अठारह बटा में एक की जगह पे तीन है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अठारह बटा में तीन, तो ये हो जाएगा तीन छके अठारह। ऑप्शन नंबर आपको d, न कि माइनस सिक्स, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर d होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। बहुत सारे जो छात्र यहीं पे मिस्टेक करते हैं प्लस छः और माइनस छः में, ठीक है, प्लस माइनस में। अगला देखते हैं 14 नंबर कि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू। मानते हैं बच्चे इसका मूल अल्फ़ा है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब ये अल्फ़ा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फ़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो आपको माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा के जगह पे पहला है अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे दूसरा मूल जो है वन अपॉन अल्फ़ा रखेंगे, माइनस बी के जगह पर माइनस बी और ए के जगह पर ए, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो बच्चा क्या आप लोगों से ए बराबर माइनस बी, क्या होगा ए बराबर माइनस बी, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा का है ना मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, क्या होता है बच्चे सी बाय ए होता है, तो ए इंटू क्या बोलो ए बराबर सी हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है ये करेक्ट है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान से आप लोग को देखना है, ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से देखना है। अगला देखते हैं 15 नंबर, इसका आपको 15वां पद निकालना है, 15वां पद, तो एन का वैल्यू 15 आ जाएगा, ए का वैल्यू इस समीकरण इस समांतर श्रेणी में 1/2 है, डी का वैल्यू होता है ए टू माइनस ए वन, तो वन माइनस वन बटा टू घटाओगे तो 1/2, बस आपको टी 15 का वैल्यू निकाल लेना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूला से, ए के जगह पे 1/2 प्लस 15 माइनस वन 14 गुने डी का वैल्यू 1/2 दो सत्ते 14, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 7, इसको जब जोड़ोगे तो 7 × 14 एक 15/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/2, ऑप्शन नंबर 15 का बी करेक्ट होगा, क्या होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यही प्रश्न हमारे पास कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं 8, 14, 20, 26 ये तो है, 4, 10 ये नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 में 10 में से 4 घटेंगे तो यहाँ पे 6 का अंतर, और यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर है, मतलब एक जगह 6 का अंतर हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ये भी आपका होगा, ये भी होगा, ठीक है, 16 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगी, जो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद
9 है, ए का मान 9 है, डी के बराबर -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा? तो इनका मतलब 12 है, तो एस एन का वैल्यू निकालनी है। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो एस 12 का मान निकालना है, तो 12 बाई टू हो जाएगा एन के जगह पे, 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस वन, तो 12 है, तो 12 में से एक गया, तो 11 गुने डी का वैल्यू -3 है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो 12 बटा 2 का मान हो जाएगा 6, इंटू में है आपका 9 दुनी 18 और ये माइनस हो जाएगा 33। अब देखो 6 गुने 18 में से -33 को घटाओगे तो कितना होगा, 10 एक 13 या और ये 2 15, माइनस में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 6 90, माइनस नब्बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का आपको सी करेक्ट होगा बच्चे, क्या होगा, 17 का सी, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। अगला देखते हैं 18 नंबर कि समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 170 है। हम लोग को टी एन का वैल्यू दे दिया गया 170, एन का वैल्यू पता करनी है, ए का वैल्यू 17 है, डी का वैल्यू 34 में से 17 घटाओगे तो क्या इतना आएगा 17। ये डी पता है ना कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकलती है। तो हम लोग को यहाँ पे टी एन का वैल्यू पता कर एन का वैल्यू पता करने थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, टी एन के जगह पर 170 रखेंगे, ए के जगह पर 17 प्लस एन का वैल्यू निकालनी है, एन माइनस वन इंटू डी 17। इसको लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 153 बराबर एन माइनस वन इंटू 17, ठीक है। इस 17 को इस साइड लेकर आओगे तो 153 बटा में 17 हो जाएगी बराबर एन माइनस वन, ठीक है। तो 17 नम्बे 153, एन का वैल्यू 9 प्लस 1 बराबर 10। ये तो आप लोग क्या निकाला, ये तो प्रोसेस से निकाला, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग को डायरेक्ट निकालना था तो कौन सा पद 170 है, तो 17 धन के 170 होती है क्योंकि ये 17 का पहाड़ा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, जो प्रोसेस था वो मैंने आप लोग को बताया है। अगला देखते हैं बच्चे 19 नंबर समांतर श्रेणी का ही काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं अभी कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45 और -6 में पदों की संख्या, मतलब एन का वैल्यू पता करनी है फिर से, ए का वैल्यू 51 है, डी का वैल्यू जब घटाओगे 48 में से 51 को तो ये हो जाएगा -3 और एन टी एन का वैल्यू दिया है, टी एन का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, टी एन का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 51 है, एन का वैल्यू निकालनी है, एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे -3। इस साइड इसको लेकर आओगे तो 6 में से -51 जाएगा तो -45 हो जाएगी, एन माइनस वन इंटू -3। इस -3 को इस साइड लेकर आओगे तो -45 बटा में -3 हो जाएगी और एन माइनस वन, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 15 45, एन का वैल्यू 15 और ये माइनस इस साइड लेकर आओगे तो यहाँ +1 हो जाएगी, तो 15 1 6 15 प्लस 1 बराबर 16 हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये भी, बस आपको प्रोसेस होनी चाहिए किस तरीके से आपको बनाना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या मान दिया गया और कौन से फार्मूला यूज हो रही है, सारे आप लोगों के यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, कहा गया बच्चे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितनी होगी। तो याद होनी चाहिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 होती है और सम संख्या की भी संख्या जो होती है वो 25 होती है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों का मान कितना होता है, 25 25 होता है, ठीक है। अगर आप लोग प्रोसेस से जाओगे तो किस तरीके से बनाना है, तो याद रखना है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की जो होगी वो आपका यहाँ पर 25 होगा, क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। तो पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 3 होता है, उसी तरीके से 5 होता है, उसी तरीके से आपको 49 तक लेके जाना है। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू 3 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, टी एन का वैल्यू दिया गया है आपको 49, एन का वैल्यू पता करनी है, आसानी से निकाल सकते हो, 49 बराबर ए प्लस ए की जगह पर 1 है, एन का वैल्यू निकालनी है 2। इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा ये 48 और इस 2 को इस साइड लेकर अगर 48 बटा 2 बराबर एन माइनस वन, एन का वैल्यू यहाँ पे 25 आ गया। सिंपल था, बस आपको समझना था किस तरीके से बनाने। अगला है 21 नंबर, कोई त्रिभुज दिया गया है बच्चे, इसको ध्यान से देखना है, ए बी सी, बी बराबर 90 डिग्री है,
ए बी का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर 15 है, बी सी का वैल्यू 1 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? तो ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं बच्चे, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 1, और सॉरी ए सी का भी वैल्यू दिया गया है ना, देखो यहाँ पे मैंने गौर ही नहीं किया, ठीक है। ये ए सी का वैल्यू भी दिया गया आपको 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्ण, हमको पता करना था टेन ए का बराबर, टेन ए का वैल्यू, ठीक है। टेन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बटा में बी, पी का मतलब हो गया लंब आधार, लंब के जगह पे कितना है टेन ए, टेन ए का मान है ना, तो इसका वैल्यू पता करनी है टेन ए, तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा लंब एक हो जाएगा और आधार हो जाएगा रूट अंडर 15, तो ये हो जाएगी आपका लंब के जगह पे 1 और आधार के जगह पे रूट अंडर 15, 1/√15 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा ना उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालनी है, टेन ए के रिस्पेक्ट में निकालनी थी, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा टेन ए के सामने वाला, ये हो जाएगा आपका लंब और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, कोसेक 5 का मान के है तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, हम लोग जानते हैं बच्चे कि कॉस जो होता है, कॉस 5 का वैल्यू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर 5, ठीक है, और रूट अंडर लगा देना है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं ना, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालनी है तो रूट अंडर में लगा दो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यही तो था यहाँ पे। अब हमको ये पता चल गया, अब जानते हैं ये भी चीज़ बच्चे कि 1 माइनस में साइन का वैल्यू होता है आपको कॉस, क्या होता है कॉसेक में, तो 1 बटा में ये हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक हो जाएगी, कॉसेक 5 का होल स्क्वायर या 1 बटा में कॉसेक का स्क्वायर 5 हो जाएगी। अब देखो रूट अंडर 1 पहले से है और 1 पहले से ऊपर में कॉसेक का स्क्वायर 5 के जगह पे लिखना है के स्क्वायर, के का स्क्वायर हो जाएगी ये। अब एलसीएम लोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 बटा में देखो या तो ये आंसर होगा या नहीं तो अगर इसको तोड़ोगे रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 ऊपर में हो जाएगी या बट्टा में रूट दो को के है तो एक के हटाएंगे, रूट अंडर हटाएंगे तो बचेगा के, या तो ये आंसर होगा, ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा, देखते हैं। ऑप्शंस में आपका ये आंसर दिया गया है के स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में के, यही इसका सही उत्तर है 22 का बी। काफ़ी लाजवाब प्रश्न था बच्चे, ये आपको समझने की ज़रूरत थी, एक बार और अच्छे तरीके से देखना, मैंने आपको किस तरीके से बताया है आपको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, कहा गया कि 1 बटा में सेक फाई का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बटा में सेक फाई हम लोग पता है होता है, ये होता है कॉस फाई के बराबर, क्या होता है बच्चे कॉस फाई के बराबर, अगर 1 बटा में कॉसेक रहता तो ये होता है साइन फाई के बराबर, अगर 1 बटा में कॉट फाई रहता तो ये टेन फाई के बराबर हो जाता है, ठीक है, टेन फाई के बराबर हो जाता है। 24 देखते हैं बच्चे कि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर 1 होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, साइन एक्स इसी का कोफिशियंट अगर रहेगा बराबर 1, अगर टेन एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा 1, अगर इसी में कॉस एक्स इंटू सेक एक्स रहेगा तो आपका 1, ये तीनों आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन से हमारा कि कॉस फाई का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक फाई का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे देखो कॉस फाई का वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब ये बी बटा में एच होगा, क्योंकि कॉस है तो कॉस का मान होता है बी बटा में एच, आधार बटा में कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहाँ से निकाल सकते हैं, लंब बराबर होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर रूट अंडर 3 आ जाएगी। अब यहाँ से कॉसेक फाई का वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे कॉसेक फाई का मान होता है आपका कर्ण बटा में लंब, क्या होता है बच्चे कर्ण बटा में लंब, ये मान याद होनी चाहिए क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है, लंब बटा कर्ण होगा साइन थीटा का, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब,
कर्ण का मान है 2 और लंब का वैल्यू है रूट अंडर 3, 2/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं, मैं आप लोगों को 25-25 प्रश्न का सेट दे रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में लगातार पूछते रहे हैं और मैं आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का। तो इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करते रहना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चे।